नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा नदी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से सबौर के समीप NH-80 हुआ ध्वस्त, भागलपुर से कहलगांव का संपर्क हुआ भंग। विधानसभा उपचुनाव की जारी हुई अधिसूचना, 21 अक्टूबर को होगा मतदान, राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शुक्रम चुरीवाला की स्मृति में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, उत्कृष्ट योगदान के लिए 57 लोगों को किया गया सम्मानित। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रावास का किया निरीक्षण, कैंपस में बाढ़ के पानी को लेकर PG परीक्षा को किया स्थगित। और सिल्क टीवी कार्यालय में म्यूजिका इवेंट की ओर से आयोजित वॉइस किंग प्रतियोगिता के पहले राउंड का हुआ ऑडिशन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी NH-80 पर चढ़ गया है। पानी के अत्यधिक दबाव के कारण सवौर के समीप NH-80 ध्वस्त हो गया, जिसके कारण कहलगांव, पीरपैथी और साहेबगंज के लोगों का भागलपुर से सीधा सड़क संपर्क भंग हो गया है। हालांकि शनिवार को NH की ओर से कटाव को दुरुस्त कर परिचालन बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन पानी के दबाव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। NH-80 के ध्वस्त होते ही जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आदेश जारी कर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक दिया। सड़क संपर्क भंग होते ही NH के कार्यपालक अभियंता और बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। वहीं सबौर नाथनगर इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके कारण आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। NH पर एक जगह दबाव आया है, जिसके आलोक में हम लोगों ने NH पर NH-80 पर घोघा और सबौर के बीच में में वहाँ पर हम लोगों ने NH पर काफ़ी दबाव था, इसको देखते हुए वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है और वहाँ स्टेट फोर्स का डेपुटेशन किया जा रहा है। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद न सिर्फ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 21 अक्टूबर को नाथनगर विधानसभा में उपचुनाव को देखते हुए तैयारी की जा रही है। दरअसल नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के अजय मंडल विधायक थे, लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बने, जिसके बाद यह सीट खाली हो गया था। DM ने कहा कि 21 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग 23 सितंबर को जारी करेगी। नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है, जबकि मतगणना 24 अक्टूबर को होगा। इस बल की डिमांड उन्होंने भेज दी है, पुलिस मुख्यालय भी उस डिमांड के आधार पर अपना एक्सरसाइज करता है और जो हम लोग की डिमांड होती है पिछली बार मिला तक तो एक असेंबली का इलेक्शन है, निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं उन्होंने पुलिस बल की डिमांड की है, तो पुलिस बल की डिमांड उन्होंने करी। वहीं बांका के बेलहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर DM कुंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीख और चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। 24th अक्टूबर थर्सडे, डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 27th अक्टूबर संडे। 163 बेलहर विधानसभा में निर्वाचकों की संख्या कुल पुरुष 1,60,850 हैं, महिला 1,42,280 हैं, कुल 3,03,130 निर्वाचकों की संख्या है। पूरे जिले में 144 लागू रहेगा और उसका अच्छा से अनुपालन कराया जाएगा। जो भी इस नियम को नहीं पालन नहीं करते हैं या इसमें किसी तरह की गड़बड़ी करेंगे, उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित दिनकर भवन में रविवार को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शुभकरण चुरीवाला की पुण्य स्मृति में अंग मदद फाउंडेशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व सांसद रामजीत सिंह सहित मौजूद अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 57 व्यक्तियों को अंग वस्त्र और शील्ड देकर तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अंग मदद फाउंडेशन की सचिव वंदना झा ने कहा कि सम्मान समारोह का आयोजन पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। सम्मान समारोह में महाराष्ट्र, झारखंड, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार के हस्तियों को सम्मानित किया गया। गांधी जी को उनकी 150वीं जयंती पर उनको समर्पित है
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, प्रति कुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने विश्वविद्यालय पीजी छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ के पानी से परेशान हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने कुलपति को अपनी समस्या बताई, साथ ही पीजी सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं पीआरओ डॉक्टर एसडी झा ने बताया कि बाढ़ का पानी छात्रावास में प्रवेश करने के कारण दोनों सेमेस्टर की परीक्षा तिथि बढ़ा दी गई है। भागलपुर की अग्रणी सांस्कृतिक संस्था म्यूजिका इवेंट्स के बैनर तले सिल्क टीवी कार्यालय में वॉइस किंग ट्रैक सिंगिंग कॉन्टेस्ट के पहले राउंड का ऑडिशन लिया गया, जिसमें कुल 90 प्रतिभागियों में से 20 का चयन दूसरे राउंड के लिए किया गया। इस अवसर पर निर्णायक की भूमिका आलोक रंजन, सोनी पांडे तथा वीना पांडे ने निभाई। प्रतियोगिता का अगला राउंड 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। म्यूजिका के लकी मलय विपुल तथा शहबाज खान ने ऑडिशन में सराहनीय भूमिका निभाई। इस अवसर पर शहर के कई जाने माने कलाकार भी उपस्थित थे, जिनमें अभिलाष, सदाव असलम, गोलू सिंह, धोनी शामिल थे। बहुत ही, जब बड़े शहर में हो सकता है तो हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। और हमारे यहाँ के बच्चे भी मुकाम तक पहुँचेंगे। हम लोग तो अभिभावकों को और सारे लोगों को, मीडिया पर्सन्स वगैरह को, सबको ज़रूरत है कि इस चीज़ को प्रोत्साहित करें। हाँ, ये अच्छा प्रयास है, यहाँ के लोकल जो भी टैलेंट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। मतलब वॉइस किंग, मतलब ये तो बहुत बेटर ही मतलब संस्थान है। मुझे भी इनसे बहुत मतलब प्रिपरेशन करने, मतलब आगे मंच के लिए मतलब मौका मिला। मुझे भी लगता है मैं भी इसमें गाऊं, मैं भी आगे बढ़ूं, यहाँ के पूरे भागलपुर में मतलब सारे बच्चे को यहाँ से मतलब आगे जाने का मौका मिलेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर अपराधियों, शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 24 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 353 लीटर देसी शराब, 40 लीटर विदेशी शराब, 2 होंडा सिटी कार और 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया। साथ ही पुलिस सघन वाहन तलाशी अभियान के दौरान 439 वाहनों के कागजातों की जाँच की, जिसमें 14,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। बिहार उन्नयन योजना के तहत रविवार को उच्च विद्यालय प्रशस्त डी सिमरो में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन उप मुखिया राकेश कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान उप मुखिया ने शिक्षकों को स्मार्ट क्लास के जरिए बेहतर शिक्षा छात्रों को देने की बात कही। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक सुमन कुमार झा, स्वीटी कुमारी, देवनंदन प्रसाद शाह, मुकेश रंजन सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे।
बांका के अमरपुर प्रखंड सलेमपुर हाई स्कूल में स्कूली छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़खानी का प्रयास किया। छात्रा के द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीणों की भीड़ स्कूल परिसर में जमा हो गई और आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी शिक्षक की पहचान भागलपुर के मिर्जानहाट निवासी आनंद कुमार के रूप में हुई है। दरअसल शनिवार को छात्रा के साथ शिक्षक स्कूल में अश्लील हरकत कर रहा था, जिसका विरोध छात्रा ने किया। इस दौरान शिक्षक ने छात्रा को पकड़ लिया, जिसके बाद छात्रा शोर मचाने लगी। हंगामा होता देख स्कूल में छात्रों और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षक की पिटाई करते हुए उसे अमरपुर पुलिस के हवाले कर दिया। बांका के अमरपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलट जाने से मजदूर की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए ग्रामीणों ने अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मृतक मजदूर की पहचान मादाचक गाँव निवासी 36 वर्षीय मुकेश शाह के रूप में हुई है, जबकि ट्रैक्टर चालक की पहचान करमबीर शर्मा के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक बालू लोड कर तेज रफ्तार से जा रहा था। इसी दौरान मादाचक गाँव के ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से नाथनगर प्रखंड के दर्जनों पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके कारण लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। दियारा क्षेत्रों में आए बाढ़ को लेकर शनिवार को नाथनगर सीओ राजेश कुमार ने बैरिया पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ ने बाढ़ पीड़ितों के बीच आवश्यक सामानों का वितरण किया। हम आपको बता दें कि गंगा के बढ़ते जलस्तर से नाथनगर के रसीदपुर वैरिया गोसाईदासपुर अजमेरीपुर समेत दियारा क्षेत्रों का इलाका जलमग्न हो गया है, जिसके कारण ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। वहीं कई बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अब तक भोजन और दवाई की व्यवस्था नहीं की गई है। बाढ़ क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान रसीदपुर बैरिया पंचायत के बैरिया गाँव के वार्ड नंबर 8-7 जो है वो पूर्ण प्रभावित है। अजमेरीपुर वगैरह सब पूर्ण प्रभावित है। आवागमन के रसीदपुर प्रभावित है। आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है और जो विस्थापित लोग हैं जो पुल पर हैं उन लोगों को धूप अच्छा से बचने के लिए प्लास्टिक की मुहैया की जा रही है। मवेशी के लिए पशु पालन विभाग को सूचना कर दी गई है। उम्मीद है कि कल पशु चारा की व्यवस्था भी हो जाएगी। नौगछिया में गंगा स्नान करने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मक्खा तकिया वार्ड नंबर 15 के निवासी मनोज शाह के पुत्र प्रशांत कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत रविवार को गंगा स्नान करने लक्ष्मीपुर घाट गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। वहीं स्थानीय लोगों ने डूब रहे युवक को देख उसे गंगा नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांका के बाराहाट में पारिवारिक विवाद को लेकर महिला ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक महिला की पहचान परघरी गांव निवासी कुंदन शाह की पत्नी प्रिया कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार को पति और पत्नी के बीच घरेलू कार्यों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मृतक प्रिया ने गुस्से में आकर लवोखर नाथ मंदिर के समीप तालाब में कूदकर जान दे दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बाराहाट पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नमामि गंगे योजना के तहत बरारी श्री घाट पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में गंगा महाआरती की गई। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। दिल्ली से आए स्वच्छता प्रभारी प्रणव कुमार ने गंगा महाआरती के आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की बात कही। वहीं धार्मिक संयोजक जटाशंकर मिश्रा ने कहा कि महाआरती के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इस दौरान महाआरती में काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा नदी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से सबौर के समीप NH-80 हुआ ध्वस्त। भागलपुर से कहलगांव का संपर्क हुआ भंग। विधानसभा उपचुनाव की जारी हुई अधिसूचना। 21 अक्टूबर को होगा मतदान। राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शुक्रम चुरीवाला की स्मृति में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट योगदान के लिए 57 लोगों को किया गया सम्मानित। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रावास का किया निरीक्षण। कैंपस में बाढ़ के पानी को लेकर पीजी परीक्षा को किया स्थगित। और सिल्क टीवी कार्यालय में म्यूजिका इवेंट की ओर से आयोजित वॉइस किंग प्रतियोगिता के पहले राउंड का हुआ ऑडिशन।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।